नमस्कार किसान साथियों, सामने देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन व ज़बरदस्त क्वालिटी की, मैं तो कहूँगा कि हमने जो ये फसल जो है की है, जो ये जो है कहीं ना कहीं जीरो जीरो खर्च पर हमने ये सरसों ली है। तो क्या कुछ सारी फूल देखना, क्योंकि जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे पूरा तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो आप देख सकते हो कि आपके सामने ये देख सकते हो कितनी फलियाँ जो है वो इस सरसों को है। तो एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑफिशियल फार्मर में। तो कहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो जो है आपको इस पर मिलती रहेगी। तो हमने जो है पूरा का पूरा प्रोसेस में आपको बताऊँगा कैसा क्या कुछ हमने इसकी पैदावार ली है, और ये जो सरसों है तो इतनी अच्छी क्वालिटी की है उसका क्या कारण है। इससे पहले कहूँ तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दिखाना चाहूँगा कि सरसों के जो ये जो है फूल जो है कहीं ना कहीं अब ज़्यादा नहीं रहे हैं, और सरसों जो है काफ़ी बहुत ही मतलब बड़ी जगह पर हमने बोई हुई है। और बीज की बात करें सबसे पहले, तो बीज तो हमने नॉर्मली रखा, और ऐसा भी नहीं कि हाई क्वालिटी का बीज था, लेकिन जो आप ये देख सकते हैं सरसों की क्वालिटी जो वो इस प्रकार से हैं। तो और ना हमने कोई इसके अंदर ज़्यादा पिलाई का भी उतना खर्च नहीं हुआ है, क्योंकि एक बार पिलाई की थी शुरू फर्स्ट के अंदर, और उसके बाद बारिश हो गई थी। बारिश के बाद फिर एक बार हमने पिलाई कर दी, उसके बाद फिर एक बार बारिश हो गई थी, तो पिलाई में भी ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं हुआ है। और मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा सरसों की क्वालिटी की हमने जीरो खर्च पर ली है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है दुई का एक भी रुपये यानी 9 रुपीज़ दुई हमने दुई का भी ज़्यादा ऐसा कुछ खर्च किया नहीं है। तो भी आप देख सकते हो कि सरसों की क्वालिटी किस प्रकार से है और फलियां कितनी है वो आप ज़रूर देख सकते हो। और इस प्रकार जो सरसों के जो है भाव है मंडी के वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो भाव भी मैं आज को दिखाने वाला हूँ कि आज के भाव जो है किस प्रकार से कहाँ कहाँ की मंडियों में क्या है। तो मैं देख सकते हो कि मैं अंदर घुसना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर जो है ये जाने नहीं दे रही है, इतनी फंस चुकी है, और ये जो है झुक भी चुकी है, क्योंकि झुकना इनके फूल कम हो गए हैं और फलियों के अंदर जो है वजन आ चुका है। तो ये कहीं ना कहीं एक साइड जो है इस तरफ से झुक चुकी है। मैं आपको और भी दिखाऊंगा, क्योंकि अभी उधर भी है जो आगे आप देख सकते हैं वहाँ भी जो है बहुत ही अच्छी। इससे भी मैं कहूँगा कि हाई क्वालिटी मीडियम, ये ज़्यादा वैसी नहीं है लेकिन मीडियम क्वालिटी की है, वो हाई क्वालिटी की वो भी आप